हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको टेलीग्राम चैट के कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स या फिर सेटिंग्स के बारे में बताऊंगी जो टेलीग्राम में छिपी हुई होती है। आपको शायद ही उन सेटिंग्स के बारे में पता होता है या फिर उसे आप शायद ही यूज करते हैं। अगर आप भी अपने दोस्त के साथ चैट करते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे चैट के सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो दोस्तों, सीक्रेट ट्रिक्स को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम पहली सेटिंग्स के बारे में जानते हैं कि वो क्या है। पहली सेटिंग की मदद से आप अपने मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके किसी भी दोस्त का बर्थडे है और आपको उसका बर्थडे विश करना है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसे विश करना भूल जाएंगे या फिर आप सो जाएंगे, तो इस सिचुएशन में आप टेलीग्राम में अपना मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं। जिस भी टाइम में आप मैसेज को शेड्यूल करेंगे, उस टाइम पर आपके दोस्त के पास वो मैसेज खुद ब खुद चला जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लेना है, फिर अपने दोस्त की चैट को ओपन करना है, फिर जिस भी मैसेज को आप यहाँ शेड्यूल करना चाहते हैं उस मैसेज को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो चलिए यहाँ से मैं अपने मैसेज को टाइप कर देती हूँ। मैसेज टाइप करने के बाद आपको यहाँ सेंड वाले बटन पे एक सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शेड्यूल मैसेज का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे अपना डेट और टाइम सेट कर देना है, जिस भी टाइम और डेट पे आप चाहते हैं कि वो मैसेज खुद ब खुद चला जाए। टाइम और डेट सेट करने के बाद अब आपको यहाँ पे सेंड ऑन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो मैसेज है वो शेड्यूल हो चुका है। जो टाइम और डेट हमने सेट किया है, उस टाइम पर आपके दोस्त के पास ये मैसेज खुद सेंड हो जाएगा। यहाँ से जब आप बैक आएंगे तो नॉर्मल चैट आपको दिखाई देगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से मैसेज आपने शेड्यूल किए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक शेड्यूल का आइकन दिख रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जितने भी मैसेज आपने शेड्यूल किए होंगे वो डेट और टाइम के साथ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आप शेड्यूल मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इस मैसेज को पहले सेलेक्ट कर लेना है, फिर ऊपर डिलीट बटन पर क्लिक कर लेना है, फिर से आपको यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर लेना है, तो आपकी मैसेज यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने टेलीग्राम में अपने मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चैट के दूसरे सेटिंग्स की। अगर दोस्तों आपने किसी भी पर्सन से चैट की है और आप चाहते हैं कि आपके चैट आपके टेलीग्राम से डिलीट हो जाए और उस पर्सन के भी टेलीग्राम से डिलीट हो जाए, तो ये भी सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। या फिर आप किसी से भी चैट कर रहे हैं और आपने गलती से कोई भी मैसेज सेंड कर दी हो तो आप उसे डिलीट करना चाहते हैं दोनों ही साइड से, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ भी मैसेज सेंड किया, मैसेज उसके पास चला गया, लेकिन आपको इस मैसेज को डिलीट करना है अपने टेलीग्राम से और उसके टेलीग्राम से भी। तो आपको यहाँ उस मैसेज को सिलेक्ट कर लेना है, फिर ऊपर में आपको डिलीट बटन पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने एक पॉपअप खुल कर आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है आल्सो डिलीट फॉर राजा गुप्ता, तो यहाँ पर आपके दोस्त का नाम होगा, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ डिलीट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज दोनों साइड से डिलीट हो जाएगा, मतलब आपके टेलीग्राम से भी वो मैसेज डिलीट हो जाएगा और उस पर्सन के भी टेलीग्राम से वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैसेज डिलीट हो गई है। इस तरह से दोस्तों आप चाहे तो अपने सारे चैट को भी डिलीट कर सकते हैं दोनों साइड से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे सेटिंग्स के बारे में। अब आपको यहाँ किसी भी पर्सन के चैट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी पर्सन को जब मैसेज सेंड करें तो उसके पास वो मैसेज तो जाए पर बिना नोटिफिकेशन के आवाज़ बजे, मतलब नोटिफिकेशन टोन उसे सुनाई ना दे और पॉपअप में मैसेज भी उसे दिखाई ना दे, तो ये भी आप सेटिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। अब यहाँ पर मैं एक मैसेज को टाइप कर लेती हूँ। फिर आपको यहाँ मैसेज सेंड नहीं करना है, आपको यहाँ पहले सेंड वाले बटन पर एक सेकेंड के लिए प्रेस करना है। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंड विदाउट साउंड का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों मैसेज तो चला जाएगा आपके दोस्त के पास, पर उसे फ़ोन में नोटिफिकेशन साउंड नहीं बजेगा और उसे मैसेज दिखाई नहीं देगा नोटिफिकेशन बार में। जब वो पर्सन अपना टेलीग्राम ओपन करेगा तो ही उसे आपका मैसेज दिखाई देगा। अगर दोस्तों आप नॉर्मल मैसेज करेंगे तो नोटिफिकेशन साउंड भी बजेगा उसके फ़ोन में और उसे अपने नोटिफिकेशन बार में आपका मैसेज भी दिखाई देगा। इस तरह से दोस्तों आप बिना नोटिफिकेशन साउंड के भी किसी को मैसेज भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टेलीग्राम चैट की 5 सीक्रेट सेटिंग्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।